सो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मुझे पता है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। सो दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बढ़िया सा वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें मैं आपको 5 क्वेश्चंस दूंगा, जैसा कि हर वीडियो में हम देते हैं, कभी एक, कभी दो, कभी तीन, और कभी चार, और कभी पाँच। तो दोस्तों, आज हम 5 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं, जो शायद आपके दिमाग की बत्ती जला दे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सब्सक्राइब कीजिए पॉज इंस्टीट्यूट को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि हमारे वीडियो से सारे लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचे सबसे पहले आपके पास। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि है आपके स्क्रीन पर। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बंगाल की खाड़ी किस स्टेट में है? दोस्तों, ये है आपका पहला क्वेश्चन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। आपके पास सोचने के लिए 10 सेकेंड है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, मुझे पता है सभी लोग इसका आंसर क्या सोच रहे होंगे, वेस्ट बंगाल। पर दोस्तों, ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है। आखिर हम आपसे इतना हलवा क्वेश्चन क्यों पूछेंगे कि आपके दिमाग की बत्ती पहले से ही जली हो। तो दोस्तों, इसका असली आंसर जो है वो है लिक्विड स्टेट। दोस्तों, आप जानते होंगे कि बंगाल की खाड़ी, जो कि एक ओशन है, एक सागर है, और उसका जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में है। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज अगेन ऑन योर स्क्रीन। जेम्स बॉन्ड को प्लेन से धक्का दे दिया गया, फिर भी वो जिंदा बच गया, ऐसा कैसे हो सकता है? सो यही तो आपको सोचना है कि कैसे हुआ। 10 सेकेंड है आपके पास। सो मिल गया आंसर? अगर नहीं मिला तो मैं बताता हूं। एक्चुअली प्लेन रनवे पर था। जी हाँ दोस्तों, वो रनवे पर था, तो जेम्स बॉन्ड को धक्का भी दिया होगा तो वो रोड पे गिरे होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दो जुड़वा भाई आदर्श और अनुपम मई में पैदा हुए थे, लेकिन उनका जन्मदिन जून में मनाया जाता है, ये कैसे संभव है? तो भाई, ये कैसे संभव है ये आपको सोचना है, और अगर सोच के आप नहीं बता पाते तो उसका आंसर मैं बताऊँगा। सो 10 सेकेंड फिर से हैं आपके पास। दोस्तों, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑन योर स्क्रीन। एक बार ध्यान से देखिए, मई एक कस्बे का नाम है। अब दोस्तों, आपको ज़रूर समझ में आ गया होगी कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या है। मई एक कस्बे का नाम है। क्वेश्चन नंबर फोर इज अगेन ऑन योर स्क्रीन। एक बिल्ली के 3 बच्चे हैं, जनवरी, मार्च और मई, तो इन बच्चों की मम्मी का क्या नाम है? दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ज़रूर सोच के बताइए। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है, माँ का नाम बिल्ली है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो। मोर एक पंक्षी है जो अंडे नहीं देता, फिर उनके बच्चे कैसे होते हैं? दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरूर दिमाग लगाइए। दोस्तों, इसका आंसर ये है कि मोरनी अंडे देती है, मोर नहीं। दोस्तों, अगर मोर अंडे देता भी तो उससे क्या फ़र्क पड़ना था? आखिर बच्चा तो मोरनी के अंडे में से निकलना है ना। दोस्तों, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी एक क्वेश्चन और बाकी है, जो कि मैं आपसे पूछूंगा, पर उसका आंसर मैं आज आपको नहीं बताऊँगा। अगर उसमें से किसी को भी उसका आंसर पता है तो हमें ज़रूर कमेंट करें, और जिन्हें नहीं पता वो सब्सक्राइब करें। मेरा मतलब है कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि हम उसका आंसर अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, सो क्वेश्चन ये रहा। वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमारे इंस्टाग्राम पेज kuch_you_he_official को ज़रूर फॉलो करें। हमारे फेसबुक पेज कुछ यूमी को लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, ज़्यादा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर वीडियो में कोई भी डाउट लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं हमारे इस पहेली से रिलेटेड।